शिट यार, आज तो बहुत लेट हो गई। अब कौन आ गया? अरे दिव्या, तुम यहाँ? अंदर आ जाऊं? हाँ आ जाओ। वैसे ऐसे अचानक यहाँ पर? वो डैड को मीटिंग के लिए आउट ऑफ कंट्री जाना था और मेरा एग्जाम था, तो उन्होंने मुझे यहाँ भेज दिया। खैर जो भी हुआ अच्छा ही हुआ। तुम बता, तुम कैसी हो? कैसी दिख रही हूँ? और डैड वो कैसे हैं? ठीक ही होंगे। क्या मतलब? वो एक्चुअली वो अपनी मीटिंग्स में इतना बिजी रहते हैं कि एक ही घर में रहने के बावजूद भी हमारी बहुत कम बातचीत होती है, तो पता नहीं कैसे होंगे, बट ठीक ही होंगे। आप बताओ, मॉम कैसी हैं? सेम, जैसे डैड अपने मीटिंग्स में बिजी रहते हैं, वैसे ही मॉम अपनी दूसरी फैमिली में बिजी रहती थी, तो उनका होना ना होना एक बराबर ही था। तो मैंने डिसाइड किया क्यों ना मैं अकेली रहूँ, ज़्यादा खुश रहूँगी, तो यहाँ मैं रहती हूँ। वाओ, सो कूल, काश मैं भी ऐसे रह पाती। कुछ कहा तुमने? नहीं कुछ नहीं। चलो ठीक है, तुम एक काम करो, ऊपर जाके फ्रेश हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लाती हूँ। ओके। तुम्हारा रूम ऊपर से लेफ्ट है। ओके। क्या हुआ? तुम्हें तो आज एग्जाम देने जाना था ना? हाँ बस जा ही रही हूँ। वो एक्चुअली डैड ने नानी रखी हुई थी ना मेरे इन सब कामों के लिए, और मुझसे ये सब होता नहीं है, तो बस निकल रही थी थोड़ी देर में। मैं तुम्हारी हेल्प करूँ? नहीं कोई जरूरत नहीं है, हो जाएगा। सोच लो कहीं तुम्हारे एग्जाम ना छूट जाए। क्या कर रही हो? कुछ नहीं, बोर हो रही थी तो बैठे बैठे सोचा पैसे कमा लूं। पैसे कमा रही हो? फोन से? कैसे? ये देखो, इधर आ। ये एक ओलंपी ट्रेड ऐप है जिसमें तुम्हें गूगल और अमेजोन के स्टॉक में इन्वेस्ट करना पड़ता है। रुको मैं दिखाती हूँ। देखो, इसमें तुम्हें गूगल और अमेजोन के स्टॉक में इन्वेस्ट करना पड़ता है। इसे तुम एंड्रॉइड और iOS दोनों में यूज कर सकती हो। तुम्हें कुछ नहीं करना, सिर्फ ग्राफ प्रेडिक्ट करना है। ये देखो, जैसे अगर तुम्हें लगता है कि स्टॉक की वैल्यू बढ़ेगी तो तुम्हें $10 इसमें ट्रेड करना होगा। दो मिनट रुको, ये देखो। अरे देखो, मैं जीत गई। कभी कभी हो सकता है कि हमारा प्रेडिक्ट गलत हो और हम हार जाए,
पर इसकी सबसे अच्छी बात तो ये है कि हम जीते हुए पैसों को इजीली पेटीएम और बैंक ट्रांसफर के थ्रू विड्रॉ कर सकते हैं। और अगर तुम मेरा दिया हुआ प्रोमो कोड यूज करोगी तो तुम्हें 30% बोनस मिलेगा, और अगर तुम डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक से डाउनलोड करोगी तो तुम्हें 10,000 रुपीज मिलेंगे डेमो अकाउंट में प्रैक्टिस करने के लिए। वाह, ये तो बहुत अच्छी ऐप है। एक काम करती हूँ, मैं भी डाउनलोड करती हूँ और पैसे कमाती हूँ। वैसे तुम भी बोर हो रही थी ना, तो एक काम करें, मूवी देखे। हाँ बिल्कुल, मैं पॉपकॉर्न लेके आती हूँ। ममता के मंदिर की है तू सबसे प्यारी मूरत, ममता के मंदिर की है तू सबसे प्यारी मूरत, भगवान नजर आता है जब देखे तेरी सूरत, जब जब दुनिया में चल पाए जन्मों की दीवारों पर हम प्यार अपना लिख जाए। ये बंधन तो प्यार का बंधन है, जन्मों का संगम है। ये बंधन तो प्यार का बंधन है, जन्मों का। दिव्या क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो बेटा? दी, उन्होंने ऐसा क्यों किया? मॉम डैड ने तो अपनी लाइफ के डिसीजंस ले लिए कि वो खुश रहेंगे, और अलग हो गए और हमें भी अलग कर दिया। मॉम आपको ले गई और डैड ने मुझे रख लिया, लेकिन किसी ने एक बार भी यही नहीं पूछा कि हम दोनों की खुशी किस चीज़ में है, हम दोनों क्या चाहते हैं। जिसकी वजह से ना तो कभी मुझे मॉम का प्यार मिला, और डैड तो हमेशा अपने काम में बिजी रहते हैं। और आज आपके साथ ऐसे वक्त बिता के मुझे पता चला कि प्यार क्या होता है। और डैड की तरह आपने अपने काम को इम्पोर्टेंस नहीं दी, आपके लिए मैं पहले थी। दी, आप एक काम करो, आप लॉयर हो ना, तो डैड से मेरी कस्टडी ले लो। दिव्या, वो मेरे भी डैड है, और एक बेटी अपने डैड से ऐसे केस लड़ते हुए अच्छी थोड़ी लगेगी, और कैसा फील होगा उन्हें? मैं ऐसा नहीं कर सकती। उन्हें कैसा फील होगा? उन्हें मेरे होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। और आप फिर इतना मुझे प्यार क्यों दिखा रही थी? क्या था वो सब? और अगर आपको भी ऐसा ही करना है तो आपने झूठा प्यार क्यों दिखाया? आप भी उन्हीं की तरह हो दी। आई हेट यू दिव्या। हाँ, वो केस की सारी डिटेल्स मुझे सेंड कर देना, मैं तुमसे थोड़ी देर में बात करती हूँ। दिव्या, तुम कहीं जा रही हो? हाँ, वो डैड का कॉल आया था, उन्होंने मुझे बुलाया तो जाना होगा। तेरी खुशियाँ बन मैं जीवा, मेरी खुशियाँ बन तू जीवे, इतनी सी है दिल की आरज़ू।
चले रुक जाओ, दिव्या कहीं नहीं जाएगी। तुम्हें पता भी है तुम क्या बोल रही हो? वही जो तुम सुन रहे हो, ये अब से मेरे साथ है। तुम शायद भूल रही हो आना, इसकी लीगल कस्टडी तुम्हारे डैड के पास है, तो ये पॉसिबल नहीं। ये तुम तो मुझे मत बताओ कि क्या पॉसिबल है और क्या नहीं, और मैं अच्छे से जानती हूँ कि इसकी लीगल कस्टडी डैड के पास है, लेकिन अब ये उनके साथ नहीं रहना चाहती, और ये इतनी तो बड़ी हो चुकी है कि कोर्ट में अपना डिसीजन बता पाए। शायद तुम लॉ नहीं जानती आना, शायद तुम भूल रहे हो कि मैं भी एक लॉयर हूँ। तुम गलत इंसान से पंगा ले रही हो। अब तो ले लिया, तुम जा सकते हो। आना तुम केस हार जाओगी। वो तो कोर्ट में देख लेंगे। डोर से टूटी पतंग जैसी थी ये जिंदगानी मेरी, आज हूँ कल हो मेरा ना हो, हर दिन थी कहानी मेरी, एक बंधन नया पीछे से अब मुझको बुलाए, आने वाले कल की क्यों फिकर मुझको सता जाए, कुछ ऐसी चुभन इस लम्हे में है, ये लम्हा